ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो भगवते ओम अज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानञ्जनाशनाख चक्षुरुन्मिलितमयेना तस्मै श्री गुरवे नमः जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदि गौर भक्तवंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे भगवत गीता 6th चैप्टर 40th श्लोका श्री भगवान वाचा, वाचा श्री भगवान वाचा पार्थ नैवेह नामूत्र पार्थ नैवेह नामूत्र विनाशस्तस्य विद्यते विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याण नाहि कलय्यान कृत ना कश्चिद् दुर्गा तेम तात गच्छति दुर्गा दुर्गा तेम तात गच्छति के okay. तो so, फिर से पढ़ेंगे इसका ट्रांसलेशन और परपट पर क्विकली पर <laughs> कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन हरे कृष्णा हां जी प्लीज ट्रांसलेशन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड

मटेरियल वर्ल्ड में भी नहीं एंजॉय कर पाऊंगा और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी मुझे सक्सेस अगर ना मिल पाई तो कृष्णा यहाँ पे जवाब में दे रहे हैं कि जो भी अच्छे ऑस्पिशियस एक्टिविटीज में होता है ऑस्पिशियस मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो आपके स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए होमे फ्यूचर में ऐसा व्यक्ति कभी सर्वराज नहीं होता और जो अच्छा काम करता ऐसा उसको कभी भी जो दुष्ट शक्तियां उसके ऊपर हावी नहीं हो पाती तो पर्पट दोबारा पढ़ेंगे आज फिर डिस्कस करेंगे मैं मैं शुरू करता हूँ पहले वाला तो शुरू में प्रभुपाद ने पर्पट में एक श्लोक का कोट किया है भागवत पुराण से जिसमें नारद मुनि बता रहे हैं श्लोका में के अगर कोई सारी की सारी मटेरियल प्रोस्पेक्ट्स और मटेरियल चीजों को छोड़ के भगवान के शरण में चला जाता है और पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करता है ऐसा व्यक्ति अगर पूरी तरह से कर ना भी पाए और थोड़े ही टाइम के लिए ये चीज करे तो भी उसका कोई नुकसान नहीं है बल्कि बहुत बेनिफिट है एटलीस्ट उसने थोड़ा टाइम तो पूरा भगवान के शरण में लिया और दूसरा व्यक्ति जो अपनी मटीरियल ड्यूटी सब चीज़ अच्छे से कर रहा है लेकिन वो भगवान की शरण में बिल्कुल भी नहीं जाता ऐसा व्यक्ति जो है इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता क्योंकि ऐसा व्यक्ति मटीरियल चीजों में तो लगा है लेकिन अपना रियल जो स्पिरिचुअल बेनिफिट है वो भूल गया तो फ्यूचर में इसके लिए इतना अच्छा नहीं है स्पिरिचुअल फ्यूचर नहीं है इसका फिर आगे बता रहे हैं। For material prospects there are many activities both scriptural and customary तो अलग -अलग duties यहाँ पे explain कर रहे हैं ठीक है कुछ duties ऐसी होती है जो शास्त्रों के अनुकूल होती है और कुछ duties ऐसी होती है कि जो शास्त्रों के अनुकूल नहीं होती और आ, 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 उनको duties भी नहीं एक तरह से कह सकते कुछ engagements ऐसे होते हैं लोगों के जो शास्त्रों के अनुकूल भी नहीं होती ठीक है लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो शास्त्रों के अनुकूल होती हैं और कुछ होती हैं जो जरूरी होती हैं करने के लिए तो ऐसे कार्यों को भी करना चाहिए लेकिन जो शास्त्रों के अनुकूल ड्यूटीज है उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज की होती है एक कैटेगरी होती है जो हमारी स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए होती है और दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है जो मटेरियल लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए होती है तो बेसिक आइडिया क्या है स्क्रिप्चर्स का कि लाइफ अगर आपकी स्मूथ होगी तो आप स्पिरिचुअल लाइफ अच्छे से फॉलो कर सकते हैं जैसे आयुर्वेद है आयुर्वेद शरीर को ठीक करने के लिए है लेकिन ये एक तरह से वेदों का पार्ट है इसमें बहुत नॉलेज है आयुर्वेद के अंदर जिससे आप शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हो तो क्यों यह दी गई ये इसलिए दी गई है ताकि आपका शरीर अगर तंदुरुस्त रहेगा तो आप स्पिरिचुअल लाइफ को अच्छे से फॉलो कर सको तो जो हमारी मटीरियल ड्यूटीज है वो भी इसलिए दी गई है ताकि स्पिरिचुअल लाइफ हम अच्छे से फॉलो कर सके समझ में आ रहा है सबको yes. तो यहां बताया गया है a transcendentalist is supposed to give up all material activities for the spe spe sake of spiritual life in krishna consciousness. one may argue that krishna consciousness, one may attain the highest perfection if it is completed. but if one does not attain such perfectional stage, then he loses both materially and spiritually. it is enjoined in the scriptures that one has to suffer the reactions. So, कई तरीके की है एक है जो कि सेंटर उनका है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कि भगवान की भक्ति करें हम चैंटिंग करें हम भगवदगीता वगैरह जैसे ग्रंथ पढ़े एसोसिएट करें डिवोटीज से एक तो ये हो गई दूसरी हो गई हमारी जो कैसे अपने आप को कंडक्ट करने अपनी हेल्थ अच्छी रखें अपनी फैमिली का ध्यान रखें अपनी वाइफ बच्चों का चिल्ड्रन का स्पाउस का सेवा करें तो एक ये ड्यूटी हो गई अब अगर हम समझें कि ये ड्यूटीज क्यों हैं सेवा करना अपनी फैमिली के लिए या अपनी बॉडी को ठीक रखना ये ड्यूटीज़ इसलिए ताकि हम सब की स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हो सके इनका सिर्फ ये मकसद नहीं है कि इनको अच्छे से रखना है हमें और हमारा गोल सिर्फ वही है जो जानवरों का गोल है जानवरों का क्या गोल है जानवरों का गोल है ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग जो जानवर है वो इसी में फोकस करते हैं कैसे हम खा लें कैसे हम सो लें कैसे हम आ, क्या कहते हैं मीटिंग कर लें और कैसे हम आ, अपने आप को बचा लें किसी आ, डेंजर से अगर हम भी इसी तरीके से करेंगे तो ये शास्त्रों का अल्टीमेट गोल नहीं है शास्त्र जो है वो हमारे को अच्छे से रहना खाना पीना और परिवार का ध्यान रखना और हेल्थ को अच्छा रखना इसके लिए इसलिए बता रहे हैं या इवन शास्त्र में ऐसा ज्ञान भी है कि कैसे पॉलिटिक्स चलानी है कैसे सोसाइटी को चलाना है कैसे अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज को चलाना है कैसे इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र और इन सब का ज्ञान क्यों है उसमें इसीलिए ताकि हम स्पिरिचुअल लाइफ को और एडवांस कर सकें अब अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ को एडवांस करते हैं और मटीरियल रूट को इतना फोकस नहीं करते सिर्फ स्पिरिचुअल को फोकस करते हैं तो वो, वो उसमें कोई खराबी नहीं है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको स्पिरिचुअल लाइफ को फोकस करना है ना मटेरियल लाइफ को स्टेबलाइज करने का मतलब भी यही है कि स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो स्मूथली चले अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ को फोकस करते हो और मटेरियल लाइफ में कुछ थोड़ा बहुत निगलेक्ट भी हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अल्टीमेट गोल जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो तो ठीक चल रही है लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेडी अगर आप मटीरियल फिर उससे इतना बेनिफिट नहीं है। क्योंकि अब आप इसी पे फोकस कर रहे हो कि आपकी मटीरियल लाइफ कैसी तो ये चीज के लिए इंकरेजमेंट नहीं दी गई यहाँ पे नारद मुनि द्वारा फिर आगे बताया गया भागवतम द अनसक्सेसफुल ट्रांसेंडेंटलिस्ट अगर कोई अनसक्सेसफुल भी रहता है अपना अल्टीमेट स्पिरिचुअल परफेक्शन अचीव करने में पूरी तरह से मोक्ष की प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति या प्योर डिवोटी बनने में अगर कोई सक्सेसफुल ना भी हो लेकिन वो इस पाथ पे चलता रहे तो भी उसको कोई घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितना उसने इस लाइफ में किया है वो उसका परमानेंटली सेफ रहेगा

तो कई सालों के बाद भी भगवान भूलेंगे नहीं कि हाँ भाई भव्या ने तब ऐसे पढ़ा था 2021 में या राशिका ने 2021 में ऐसे डिस्कशन की थी चाहे आप भूल जाओ भगवान बहुत ज्यादा क्रेडिट देते हैं आपको अगर आपने ऐसा कोई भी स्पिरिचुअल काम किया हो तो अगर हम रोज कर रहे हैं ऐसा स्पिरिचुअल काम तो तो और ज्यादा हमारा स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट बढ़ जाता है है जैसे अगर आपको किस पर्टिकुलर बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है, आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हो एक डॉलर इन्वेस्ट करते हो आपको सौ डॉलर मिल जाते हैं विद इन एक साल तो आप कहते हो तो बहुत अच्छा बिजनेस है इसमें तो मैं और इन्वेस्ट करूंगा तो उसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ जो है ये बहुत अच्छा बिजनेस है ये एक्चुअली भगवान को Uh, के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का माध्यम तो किसी भी दोस्त के लिए किसी भी फैमिली uh, मेंबर के लिए या किसी के लिए भी अगर आप कुछ करते हो तो वो सामने वाले व्यक्ति जो है ना वो कुछ टाइम तक याद रखेंगे लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं याद रखेंगे आप सौ दो सौ अच्छी चीजें करोगे ना और एक भी आप गलत चीज कर दो तो कई बार वो गलत चीज उनको याद रहेगी वो सौ अच्छी चीजें याद नहीं रहेंगी एक्चुअली और याद भी रहेंगी तो बहुत थोड़े दिन तक याद रहेगी आप अगर ये एक बड़ी गलती कर दो तो फिर वो सब धरा का धरा रह जाएगा लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है भगवान जो है अब जब जगन्नाथ जी को देखो उनकी आंखें कितनी बड़ी होती हैं खुली रहती हैं वो यही देखते रहते हैं कि आपने कोई एक भी अच्छी चीज करी हो ना तो उसका क्रेडिट आपको दे तो ये भगवान में और ऑर्डिनरी लोगों में फर्क है ordinary लोग जो है, वो परफेक्ट तरीके से हमारे सेवा के साथ रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते हम कुछ भी उनके लिए करते हैं तो कहीं ना कहीं गिले शिकवे रह जाते हैं लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है भगवान जो है वो पूर्ण तरीके से हमारे साथ रेसिप्रोकेट कर सकते जो भी हमने कार्य किए उसको उसी तरीके से भगवान आ, कहते हैं ना एवरी एक्शन तो भगवान का भी जो है भगवान बोलते हैं ये ताम जो जिस तरीके से मेरी तरफ बढ़ता है मैं उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करता हूं आप अगर भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाते हो भगवान आपके तरफ, तरफ सौ कदम बढ़ाएंगे तो जितनी ईगरली आप भगवान की तरफ पढ़ोगे उतनी ईगरली वो आपकी तरफ फिर यहां पे प्रभुपाद ने इसको नेक्स्ट पैराग्राफ्स में और ज्यादा इसको ज्यादा डीपली डाइसेक्ट किया है एक दूसरे परस्पेक्टिव से समझा रहे हैं प्रभुपाद पर्पड में बी अंडरस्टूड एज फॉलोज ह्यूमैनिटी दोनों इन बेस्टीस विदाउट नॉलेज ऑफ देर नेक्स्ट लाइफ और स्पिरिचुअलेशन बिलोंग टू द नॉन रेगुलेटेड सेक्शन तो एक तो बिल्कुल जो जानवर की तरह जी रहे हैं जिनको बिल्कुल भी क्या कहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ से बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं है लेकिन सेंस ग्रेटिफिकेशन बहुत ज्यादा है वो हो गए नॉन रेगुलेटेड सेक्शन लेकिन फिर जो फॉलो करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज स्क्रिप्चर्स वो सारे आ गए रेगुलेटेड में अच्छा नॉन रेगुलेटेड के अंदर सिविलाइज भी हैं और नॉन सिविलाइज भी हैं एजुकेटेड भी हैं नॉन एजुकेटेड भी हैं स्ट्रॉन्ग भी हैं वीक भी है लेकिन प्रोपेंसिटी सबकी क्या है जानवरों वाली ही तो ऐसे नॉन रेगुलेटेड जो शास्त्रों के हिसाब से अपने आप को ज्यादा चला नहीं रहे और स्पिरिचुअल लाइफ में बिल्कुल फोकस नहीं है ये अपना फ्यूचर जो है वो इतना सेफ और ऑस्पिशियस नहीं बना पाते बेचारे क्योंकि इनको ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग में ही आनंद लेना है और इसमें ज्यादा आनंद मिल नहीं सकता एक्चुअली ठीक है थोड़े टाइम तक कर सकते हो लेकिन गन्ने को आप कितना चूस लोगे उसमें थोड़ा सा ही रस होगा उसके बाद तो रस खत्म हो जाएगा आप उसको चूसते रहो चूसते रहो चूसते रहो तो उसको आप और आप सोचोगे अब मुझे रस मिलेगा ऐसा रस मिलेगा नहीं ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग में रस है नहीं एक्चुअली तो उस भाई गन्ने कोई चूसते जा रहे हैं हम जो ऑलरेडी जिसमें से रस निकल गया है लेकिन जो रेगुलेटेड स्क्रिप्चुरल इंजंक्शन को फॉलो करने वाले लोग होते हैं वो धीरे 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 वो स्पिरिचुअली एडवांस होते रहते हैं और प्रोग्रेस करते रहते हैं फिर आगे बताया द पाथ ऑफ ऑस्पिशियसनेस ये जो रेगुलेटेड वाले हैं जो ऑस्पिशियस पाथ पे हैं ये तीन सेक्शंस में फर्दर डिवाइडेड है ठीक है सबसे पहले था रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड फिर नॉन रेगुलेटेड हमने डिस्कस कर लिया कि ये शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहे रेगुलेटेड जो है वो थोड़ा सा की की तरफ spiritual life की तरफ आ, you know, inclination है उनकी उनमें भी तीन कैटेगरी के लोग हैं पहले तो जो है वो स्क्रिप्चुरल रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना चाहते हैं कि इसलिए मटीरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए सिर्फ उनको भगवान के पास मटीरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए जाना है दूसरे लोग हैं जिनको मोक्ष के लिए जाना है और तीसरे लोग हैं जिसको प्योर भक्ति के लिए जाना है कि भगवान की सेवा में लगे हैं ठीक है ना उसके बाद जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं स्क्रिप्चर्स के ठीक है ना स्क्रिप्चरल रूल्स को और हैप्पीनेस उनके गोल है ऐसे लोगों को फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं एक है कर्म कांडा या कर्म योगा और निष्काम कर्म योगा ठीक है आर आर आफ्टर फ्रूटिव रिजल्ट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन मे बी हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इवन टू हायर प्लान तो ऐसे स्क्रिप्चर्स में कई सारे विधि विधान है जो अगर आप फॉलो करो तो आपको अगली लाइफ और अच्छी हो सकती है लेकिन वो मटीरियल लेवल पे ही होगी जो कई कर्म कांड को करते हैं उनको नेक्स्ट जन्म में बड़ी अच्छी बर्थ मिल सकती है ठीक है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिल सकती है बहुत ज्यादा अगर वो तपस्या और अच्छे से करे रूल्स रेगुलेशन फॉलो तो कल को वो देवता भी बन सकते हैं हायर प्लैनेट्स में लेकिन जैसे उनकी पायटी और उनका उनके पुण्य कर्म खत्म होते हैं फिर से उनको गिरना पड़ता है धरती पे या अगर वो गलत कर्म कर ले, तो फिर पाताल लोक में भी जाना पड़ेगा नरक लोक में भी जाना पड़ेगा ऐसे भी हो सकता है क्योंकि अभी वो मटीरियल लाइफ से वो जुड़े हुए हैं उनको मटीरियल एंजॉयमेंट बड़ी पसंद है तो इसलिए

तो कह रहे हैं जो मोक्ष या प्योर डिवोशन की तरफ जा रहे हैं वही एक्चुअल में ऑस्पेशियसनेस की तरफ बढ़ रहे हैं एनी एक्टिविटी विच इज नॉट एम्ड एट अल्टीमेट सेल्फ रियलाइजेशन और लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इज नॉट एट ऑल एस्पेशियस तो ऐसा कर्म ऑस्पेशियस नहीं है जो हमें अल्टीमेटली मोक्ष की तरफ या प्योर डिवोटी बढ़ने की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं एक्टिविटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द ओनली ऑस्पेशियस एक्टिविटी इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है वो सही मायने में ऑस्पेशियस है और जो भी इसको खुद अपनी स्व इच्छा से एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई मुझे ये करना है चाहे इसमें कितनी भी कठिनाई हो कितनी भी तपस्या लगे कितनी भी सैक्रिफाइसेस आए लेकिन मुझे इसी तरफ बढ़ना है इसी पथ पे आगे बढ़ना है ऐसे व्यक्ति जो है वो परफेक्ट ट्रांसजेंडलिस्ट हो सकता है

बहुत ज्यादा इजी और रेकमेंडेड प्रोसेस है और जो इसको फॉलो करता है उसको सही भी ऑस्पेशियसनेस मिलती है और इनके अलावा जो बाकी तरीके से मटीरियल लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं उन बिचारों को तो बहुत डर का सामना करना पड़ सकता है ठीक है ना आ, क्योंकि वो आ, हमेशा घबराए रहते हैं कि नेक्स्ट लाइफ क्या होगी मृत्यु के पास जाना नहीं चाहते वो उन्हें पता नहीं अब नेक्स्ट लाइफ क्या आएगी हो सकता है वो कहीं देवी देवता भी बन सकते हैं हो सकता है नीचे गिर जाए और जो स्क्रिप्चर्स में बिल्कुल भी जिनको फेथ नहीं है जो बिल्कुल नॉन रेगुलेटेड वाले कैंप में थे उनके लिए तो बहुत ही डेंजरस है उनको तो बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं है कि क्या होगा इसलिए वो हमेशा डरते रहते हैं अब देखोगे ज्यादातर लोग क्या डरते हैं डेथ से कहते हैं वो डेथ की बात मत करो ना ना क्यों बात ना करो क्योंकि बहुत अटैच्ड है मटेरियल लाइफ से और उनको पता ही नहीं डेथ के बाद क्या होगा वो पिछड़ना नहीं चाहते अपने सगे संबंधियों से क्योंकि वो पता ही नहीं तो ये बहुत बड़ा फियर है डेथ का तो डेथ का फियर इसलिए है क्योंकि अभी जो हमने कर्म किए हैं वो सारे के सारे डेथ के टाइम पे सामने आ जाएंगे जो हमारी कॉन्शियसनेस है जिस चीज में हम मेडिटेट करते हैं वही आएगी सामने तो ये बहुत डेंजरस है तो ह्यूमन लाइफ में बहुत कम टाइम बचा है तो उसको सीरियसली हमारे को स्क्रिप्चुरल स्टडी के लिए और एसोसिएशन के लिए और भगवान की भक्ति के लिए भगवान की शरण लेने के लिए इनके लिए अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम बिल्कुल निर्भय अभय हो सकते हैं हमारे को कोई डर का क्वेश्चन नहीं जैसे प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज को उठा के इधर से उधर फेंका इतनी जगह रखा उनको इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्यों क्योंकि ही वॉज टोटली फियरलेस तो आज के ज़माने में हम देखते हैं बहुत ज्यादा एंगजाइटी बहुत ज्यादा फियर्स हैं लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं साइकैट्रिक प्रॉब्लम्स हैं इतनी और चीजें हैं आ, ये सब के सब जो है ये कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन इन सब चीजों के लिए तो धीरे धीरे ये अगर हम समझे तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है तो ये कृष्णा यही अर्जुन को बता रहे हैं यहाँ पे कि जो ऐसे ऑस्पिशियस कार्यों में लगता है उसको कभी भी सर्वनाश उसका होता नहीं है तो हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे आगे फिर आज के लिए कंक्लूड करेंगे मैं स्टॉप करूंगा क्वेश्चन आंसर्स के लिए बस ट्रांसलेशन पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की कि कृष्णा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे इसका डिस्कशन जो है वो हम कल ज़्यादा डिटेल में करेंगे

पुछी पुछी थे। थे। योग भ्रष्टो ओके यो... यो 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 okay, कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन एक्चुअली छोटा है हाँ आप पढ़ो ट्रांसलेशन भी पढ़ो आप फिर पर्पट भी पढ़ो भावे ट्रांसलेशन द अनसक्सेसफुल योगी आफ्टर मेनी मेनी इयर्स ऑफ एंजॉयमेंट On the planets of the pious living entities, is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. Purport The unsuccessful yogis are divided into two classes. One is fallen after very little progress, and one is fallen after long practice of yoga. The yogi who falls after a short period of practice goes to the higher planets, where pious living entities are allowed to enter. After prolonged life there, one is sent back again to this planet to take birth in the family of a righteous Brahman, Vaishnava, uh, or of aristocratic merchants. The real purpose of yoga practice is to achieve the highest perfection of Krishna consciousness, as explained in the last verse of this chapter. But, but those who do not preserve to such an extent, and who fail because of material allurements are allowed by the grace of the lord to make full utilization of their material propensities. and after that they are given opportunities to live prosperous, lives and righteous or aristocratic families. those who are born in such families may take advantage of the facilities and try to elevate themselves to full krishna consciousness. hari krishna. hari krishna. तो भगवान ने पहले बोला कि देखो कोई भी उसका सर्वनाश नहीं होता जो थोड़ा भी इस पात पे चलता है जैसे सेकंड चैप्टर में भी फोर्टी एथ श्लोका में भगवान ने बोला था कि थोड़ा भी प्रोग्रेस होगा इस पाथ में तो बुरे से बुरे डेंजर से आप बच सकते हो तो उसी तरह यहाँ पे फिर से बोल रहे हैं और यहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि तो मैं घबराने की बात नहीं है देखो अगर आपने थोड़ा सा भी पात किया है तो भी आपको उसका अगले जन्म में बहुत बेनिफिट होगा इनफैक्ट यहां पे बताया जा रहा है कि अगर अनसक्सेसफुल भी हो गए आप योगा में जो प्रोसेस है कृष्णा कॉन्शियसनेस का और तो भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्यों क्योंकि कई साल की तपस्या तो सॉरी कई साल की एंजॉयमेंट मेनी मेनी इयर्स ऑफ एंजॉयमेंट ऑन प्लैनेट्स ऑफ लिविंग आप जो है इस पथ पे रहते हो तो आपको हायर प्लैनेट्स में जाके वहां एंजॉय करने का मौका मिल सकता है और फिर आपको मी ऐसे घर में जन्म मिल सकता है जो कि वैष्णव या ब्राह्मण का घर हो या फिर बहुत रिच लोगों का घर हो क्योंकि ऐसे एटमॉस्फेयर में आप अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं स्पिरिचुअल लाइफ को प्रहुपात, प्रहुपात में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दो तरीके के अनसेट सक्सेसफुल योगी हैं कौन सा है एक जिसने थोड़ी सी तपस्या की है थोड़ी सी कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रोग्रेस की और फिर वो <coughs> वहां से डिस्ट्रैक्ट हो गया डेविएट हो गया उसकी मृत्यु हो गई और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो काफी लॉन्ग प्रैक्टिस की जिसने ठीक है दो लोगों ने स्कूल छोड़ दिया बीच में ही कहते ना स्कूल उसने छोड़ दिया एक ने तो सेकेंड या थर्ड ग्रेड में ही छोड़ दिया था और एक ने दसवीं फेल करके छोड़ा तो मतलब दसवीं तक तो वो चला गया तो वैसे ही यहाँ पे बताया गया है कि एक ने लिटिल प्रोग्रेस में छोड़ दिया कुछ टाइम में अभी भगवत गीता शुरू की थी हमने सात आठ चैप्टर में आए वहीं कि उसके बाद छोड़ दिया कभी भी नहीं उठाई और एक हो गया कि नहीं अट्ठारह चैप्टर पूरे अच्छे से पढ़े तीन चार बार ही पढ़ी भगवदगीता लेकिन अभी फिर भी उसको प्रैक्टिस जो है वो परफेक्ट तरीके से नहीं करी थी तो ये अलग अलग कैटेगरी के दो तो शॉर्ट पीरियड ऑफ प्रैक्टिस गोज टू हायर प्लान तो जो थोड़ी सी प्रैक्टिस जिसने करी उसको आगे हायर प्लान वर्ग लोग महर लोक टपलोक जन लोक ऐसे हायर प्लान में जन्म मिल सकता है जहाँ के पायस लिविंग एंटिटीज होते हैं उनको एंटर करने के लिए अलाउड होता है <clears throat> after, वहां पर कई साल आप उनको इंजॉय करने को मिल सकता है और फिर उनको वापस धरती में भेज दिया जाएगा उन्हें कहेगा ठीक है अब आप किसी ब्राह्मण वैष्णव या एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में ले लो जन्म रियल पर्पस ऑफ योगा प्रैक्टिस एक सेकेंड एक सेकेंड Okay, the real purpose of yoga practice is to achieve the highest perfection of Krishna consciousness as explained in the last verse of this chapter. But those who do not preserve persevere, who, who, who do not persevere to such an extent and who fail because of material environments are allowed by the grace of the Lord to make full utilization of their material propensities.

क्या आ, सुनता है वो घर में अब नेचुरली वो देखता है कि कैसे भगवान की सेवा हो रही है विग्रहों की वो अटैच होते हैं उनको फीलिंग्स आ जाती हैं भगवान के प्रति उनको ज्ञान आ जाता है भगवान के प्रति तो उनके लिए प्रोग्रेस करना आसान हो जाता है उनको थोड़ी रेगुलेटेड लाइफ मिलती है उनके लिए शास्त्रों को पढ़ना और सेंस रेगुलेट करना ये इजी हो जाता है और अगर फैमिली में कोई हो जो बहुत ही रिच फैमिली में हो तो रिच फैमिली उनके को अपना टाइम इतना वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि हम पापी पेट के लिए इधर उधर जाके बहुत ज्यादा मगदमारी करें उनके पास है रिसोर्सेज फैसिलिटीज तो वो भगवान की सेवा में लग सकते जैसे प्रभुपाद के टाइम में हम देखते हैं कि प्रभुपाद के कितने सारे शिष्य थे जो के काफी रिच थे एक उनके शिष्य हैं, उनका नाम है एल्फर्ड फोर्ड जो फोर्ड मोटर कंपनीज के मालिक है हेनरी फोर्ड उनके ग्रेट ग्रैंड वो प्रभुपाद के शिष्य बन गए उनको बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो गई भगवत गीता में तो आज प्रभुपाद के पचास साल हो गए प्रभुपाद को गए हुए फिर भी पचास साल पहले जो प्रभुपाद ने उनको बोला था क्या बोला था उनको उनको एक दिन बोला प्रभुपाद ने कि आप मायापुर में यहां पे चैतन्य महाप्रभु हुए वहां पे आप एक मंदिर बनाने के लिए आप स्पॉन्सर करना तो इतने साल हो गए तीस पैंतीस चालीस साल हो गए थे प्रभुपाद के बाद जाने को प्रभुपाद को ये बात बोले हुए फिर भी उनको याद था और उनका इतना ज़्यादा भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम था कि उन्होंने कहा नहीं मेरे को ये मंदिर जरूर बनाना है और उन्होंने अपनी जेब से पता नहीं कितने थर्टी मिलियन डॉलर्स के करीब डोनेट किए और आज वो टेम्पल अभी भी कंस्ट्रक्शन उसकी फाइनल स्टेजेस पे चल रही है ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और वो मायापुर चंद्र मंदिर बंगाल में है वो इतना बड़ा मंदिर है उसके अंदर इतना बड़ा हॉल है जिसके अंदर एट ए टाइम दस हजार लोग आ सकते हैं और कीर्तन कर सकते हैं तो ये एक वेदिक प्लानिटोरियम के बेसिस पे है। उसमें क्या है इस टेम्पल में वेदों के हिसाब से बताया जा रहा है कि क्या है प्लैनेट्स की ओरिएंटेशन ये प्लानिटोरियम है इसमें पूरा बताया गया है कि कैसे डे नाइट कैसे एक सर्दी गर्मी ये सब कैसे होता है शास्त्रों के अनुकूल तो ये सब नॉलेज शास्त्रों में पहले से थी जो पहले के लोग हैं वो कैलकुलेट कर लेते थे कि कब होगा बिल्कुल एक्यूरेटली। उनके पास तो मॉडर्न साइंस ये सब नहीं है ना फिर भी कर लेते थे तो ऐसे एरेस्ट्रोक्रेटिक लोग भी जो होते हैं वो भी भगवान की सेवा में लग सकते हैं कितने लोग हैं जो ऐसे कामों में डोनेशन देते हैं और फिर ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो है वो सेवा कर पाते हैं तो वो भी अच्छा है और जो ब्राह्मण और वैष्णव फैमिली में बढ़ते हैं वो तो वैसे ही वो उनमें इतनी स्क्रिप्चुरल नॉलेज और ज्ञान होता है कि वो दूसरों को एजुकेट कर पाते हैं और खुद भी एजुकेशन लेते तो ऐसे बढ़ सकते हैं भगवान की तरफ तो कृष्णा ने जवाब दिया अर्जुन के क्वेश्चन का अर्जुन कह रहा था कि यार मैं अगर बढ़ने की कोशिश करूं ये स्पिरिचुअल लाइफ में और ठीक से ना बढ़ पाऊं तो फिर फायदा क्या कई लोग कहते हैं ना कि फायदा क्या यार इतनी सारी बुक्स हैं भगवत गीता अपने तो समझ के बाहर है ये हमें तो समझ में आएगी नहीं इसलिए छोड़ कोशिश भी मत करो एक्चुअली वो गलत कहते हैं अगर आप थोड़ी भी कोशिश करो आपको ना भी समझ में आए तो भी कोई लॉस नहीं है आपने कोशिश करी इसी का क्रेडिट दे देते हैं भगवान जैसे अगर कोई आप एग्जाम में जाओ कि भाई एग्जाम लिखना है आपको स्कूल में तो जब तक आप स्कूल में जाओ एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करो पेपर में सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखो फिर आंसर के बेसिस पे आपको नंबर देता है टीचर लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे कृष्णा आपको पता है कैसे आपको तभी से नंबर देना शुरू कर देते हैं जब आप कहते हो कि हाँ भाई मैं एग्जाम में आऊंगा बस आप अभी जाने के लिए रेडी भी नहीं हो आपने बस मन में सोच लिया कि मैं जाऊंगा बस उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है फिर अगर आप जाओ एग्जाम देने के लिए तो और नंबर मिल जाते हैं फिर अगर आप राइट करो आंसर तो उसका और नंबर मिल जाता है फिर अगर सही हो वो आंसर तो उसका और नंबर मिल जाता है और अगर सारे आंसर सही हो तो उसके मैक्सिमम नंबर तो हर स्टेज में आपको नंबर मिलते हैं देखो और वो नंबर भी जो हैं स्पिरिचुअल लाइफ के वो इंटरनली रहते हैं ऐसा नहीं है कि वो नंबर uh, सिर्फ एक पर्टिकुलर सेमेस्टर तक रहेंगे या एक पर्टिकुलर क्लास तक रहेंगे नहीं अब जैसे आप लोगों में किसी ने टॉप मारा होगा फिफ्थ में सिक्स में टेंथ में अब उसकी क्या वैल्यू है आज आज की डेट में तो कोई वैल्यू नहीं जीरो वैल्यू है आप आज दोबारा से नहीं टॉप मारो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में आपने कुछ करा हो कितने जन्मों पहले भी तो वो भी भगवान को हमेशा याद रहता है आप भूल जाओगे लेकिन भगवान नहीं भूलेंगे तो इतना आ, वैल्यू करते हैं भगवान इनके कंपैरिजन में कोई और है नहीं व्यक्ति जिसके लिए हम करें तो यही स्पिरिचुअल लाइफ का बेनिफिट है कि स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा सा भी सक्सेस अगर हमें मिले तो इससे हम बहुत अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए ये कृष्णा बता के अर्जुन को इंकरेज कर रहे हैं और मोटिवेट कर रहे हैं कि वो स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली ले और अर्जुन के थ्रू बेसिकली ये हमें मोटिवेशन मिल रहा है इंकरेजमेंट मिल रहा है कृष्णा हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सीरियस हो जाओ बहुत टाइम हो गया बहुत जन्म लग गए हैं अब इतना दूर मत रहो मुझसे ऑल राइट right, तो अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं

जितना हो सके अटेंड करो नहीं तो आप वीडियोस देख सकते हो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे अपलोड करते ये, हैं चैप्टर सिक्स का तो चैप्टर सिक्स के सारे नहीं अपलोडेड है तो वो ना मतलब कंटिन्यूटी में नहीं सुन पाए हाँ मैं एक्चुअली दो तीन ना मेरे लॉस्ट हो गए हैं आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट बैक वो एक दूसरी डिवाइस में सेव हो गए हैं वो डिवाइस चल नहीं रहा अभी Uh, तो बीच uh, में दो चार लेक्चर नहीं बाकी आई विल अपलोड लास्ट टेन फिफ्टीन लेक्चर्स आई हैव हैव ऑलरेडी अपलोडेड आई जस्ट टू प्ले लिस्ट तो वो प्ले लिस्ट में आ जाएंगे वो कुछ दिन में आप चेक कर सकते हो कल से ठीक है किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट कोई पॉइंट तो स्पिरिचुअल लाइफ जो है उसके अंदर अलग अलग टाइम पे जैसे मटीरियल लाइफ में आप देखते हो ना अलग अलग टाइम पे सेल लगती रहती है आ, किसी दुकान में या किसी चीज में शॉप में जाते हैं लोग कभी दिवाली सेल कभी गुड फ्राइडे सेल ब्लैक फ्राइडे यहाँ पे अमेरिका में होता है तो ऐसे स्पिरिचुअल लाइफ में भी अलग अलग टाइम पे बेनिफिट्स इंक्रीज होते रहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करने के तो अभी ये अगले चार महीने और इसमें खासकर आने वाला कार्तिक महीना इनकी स्पेशल सिग्निफिकेंस है अभी बड़े बड़े ऑस्पिशियस ओकेजन आ रहे हैं जन्माष्टमी आने वाली है बलराम जयंती आने वाली है राधाष्टमी आने वाली है तो ये सब दिन जो हैं स्पेशल होते हैं कल गुरु पूर्णिमा थी बहुत ज्यादा स्पेशल डे था गुरु पूर्णिमा होती है जब व्यास दे व्यास देव का अपियरेंस होता है और उनको प्रार्थना करने का अपॉर्चुनिटी होती है तो जो व्यास देव है वो तो आप लोगों को पता ही है उन्होंने सारे वेद लिखे हैं और इतनी सारी स्क्रिप्चर्स लिखी हैं तो व्यास ना आपके वहां आ जाए ओके okay. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है गुरु पूर्णिमा का इस दिन जो भी व्यक्ति है जो स्क्रिप्चर्स को शेयर कर रहा है बता रहा है या आ, लोगों को स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है ये व्यक्ति एक्चुअली क्या कर रहा है व्यास देव के साथ कनेक्ट करा रहा है लोगों को तो व्यास देव ने जो कहा है शास्त्रों में अब ये भगवत गीता भी जो है महाभारत का पार्ट है और महाभारत देव ने लिखी है तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डे है व्यास देव से प्रार्थना करने का व्यास देव तो अभी भी है बद्रिक आश्रम में और वहाँ पे जाके लोग मिले हुए हैं मध्वाचार्य व्यासदेव तो कई मिले नहीं पहले आए थे लेकिन मध्वाचार्य जो हैं वो कुछ आ, साल पहले आए थे आ, मतलब इसी कलयुग में विद इन द लास्ट नाइन हंड्रेड ईयर्स हम देखते हैं और मध्वाचार्य जाके मिल के आए थे वहाँ वेद व्यास जी को और तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वेद व्यास जी जो है वो ही इज प्रेजेंट इन आदि बद्री अभी भी तो वेद व्यास से हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान का इंकारनेशन एक्चुअली और हमें ये सारे के सारे शास्त्र जो है हैं रिवील होते हैं और वेद व्यास की कृपा से हमें गुरु भी मिलते हैं अगर हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कृष्णा से वेदराज जी से तो हमें वो कनेक्ट कराएंगे सही लोगों से जिनसे हम और सीख सकें सीरियसली ग्रो कर सकें तो गुरु पूर्णिमा बहुत सिग्निफिकेंट टाइप डे है और इस दिन सनातन गोस्वामी बहुत बड़े आचार्य हैं बहुत बड़े सेंट हैं वो 500 हंड्रेड ईयर्स पहले आए थे वो सनातन गोस्वामी जो हैं उनका भी डिसअपियरेंस डे होता है इस दिन वो चले गए थे कृष्णा के पास और इस स्पेशल डे पे जो ब्रजवासी हैं सबसे ज़्यादा ब्रजवासी इस दिन करते हैं गोवर्धन की परिक्रमा क्योंकि आ, सनातन गोस्वामी जो है उनको बहुत प्रिय हैं सनातन गोस्वामी को वो अपना गुरु मानते हैं सब पुरिन्दावन में तो इसलिए इस आज के दिन करते हैं ऑलराइट right, तो अब हम यहाँ स्टॉप करते हैं थैंक यू श्रीमद भगवद गीता की जय शिल की जय हरे कृष्णा थैंक यू